हेलो गाइस, कैसे आप लोग? लोगों से बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया है। तो स्वागत है कैसे कुंडू फर्स्ट वीडियो में यार भाई लोग। तो आज कुछ यहाँ बात करने वाले सोलो रैंक कुछ डिफरेंट रेट के बारे में यार भाई लोग, क्योंकि भाई जो अपना न्यू सीजन 34 भाई सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचा है, न्यू रैंक सीजन बहुत ज़्यादा क्लोज है यार भाई लोग। तो सभी लोग फटाफट मास्टर लगा लो, क्योंकि आपको पता है मास्टर से डायमंड फर्स्ट सेकेंड थ्री पे बिकता है। तो मास्टर का 4-5 स्टार सभी लोग भाई बिल्कुल कंप्लीट कर लो भाई लोग। और गैस नेक्स्ट सीजन यार भाई लोग बहुत ज़्यादा बंदे भी पुश करने वाले, और क्योंकि गैस नेक्स्ट सीजन बारिश का मौसम भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पता है बारिश के मौसम में उतना ज़्यादा मतलब समझो ना यार गैस काम नहीं रहता, तो बस सभी लोग फ्री रहते, मतलब यार बारिश रहती है तो समझो ना कहीं जाने का मन नहीं करता, तो गेमिंग सिर्फ गेमिंग ही रहता है वालों, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट जन काफ़ी ज़्यादा बंदे रैंक पुश करने वाले, तो और सभी बंदे लोग अगर तगड़े से पुश करना तगड़ा से, और भाई लोग अगर सबसे ज़्यादा है यार भाई लोग अगर आप लोग करके अभी बिल्कुल मास्टर लगा लो यार भाई लोग। तो यार सबसे पहले अगर सपना बताएं तो यार अपन लोग को, तो आप लोग को पता है कि हम हर सीजन सोलो डुओ में ही पुश करते, स्क्वाड हम लोग नहीं खेलते, स्क्वाड बाद में खेलते, क्योंकि आपको पता है अब भाई लोग करके जो रीजन प्लेयर क्या करते हैं यार भाई लोग करके सबसे ज़्यादा बंदे गलती दो चीज़ करते हैं। पहला डीमोटिवेट होते, क्योंकि गैस उनका 2-3 माइनस घलता है और भाई वो गेम में फिर उनको गुस्सा आता है, कभी वो प्लस नहीं करेंगे गेम छोड़ देंगे। तो सबसे मेन ट्रिक है आप लोग को एक चीज़ कभी नहीं करनी माइनस, भाई सच बताऊँ हम लोग की भी बहुत होती है, सबकी माइनस होती है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि गैस फर्स्ट दिन की लॉबी कोई नहीं निकाल पाता भाई, कोई कितना भी प्रो हो। तो गैस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई माइनस सबका होगा, सिर्फ आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना, प्लस करते रहना, लेकिन भाई ऐसी चूतिया पंथी से भी प्लस मत करना कि भाई हर गेम में माइनस खा रहा है, एक गेम में ही चलता है माइनस। अब आप लोग के अगर हर गेम में माइनस खाओगे तो फिर भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग को सोलो डुओ खेलना है वाले लोग, सोलो तो यार सबसे ज़्यादा ईजी इस समय प्रेजेंट में बोलूँ, और क्या सोलो सबसे मस्त है जब अपना जो रैंक रहता है डायमंड, क्योंकि भाई रैंक डायमंड पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लस देता है। तो देखो यार मैंने फर्स्ट लैंडिंग करी, मैंने 3 किल कर लिया, 4th किल भी मैं करने वाला था, बट वहाँ पर सीन क्या होता है, मेरे पास M2 भी था, मैंने जैसे ग्लूवल फोड़ा तो बस मैंने थॉमसन चेंज किया और उसने मेरे को रख दिया यार वाले, क्योंकि बस मेरे पास इतना ज़्यादा HP भी नहीं था, और बस मैं सीधा आ जाता हूँ गैस जोन के बाहर यहाँ पे एक हाइप वाली जगह पे, क्योंकि भाई आप लोग को गैस कभी भी बिल्कुल सेकंड लैंडिंग तो भाई ऐसी करनी है कि भाई पानी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 2-3 किल हो जाता है तो भाई बिल्कुल भी फाइट मत करो। तो बस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर वेट करूँगा जोन आने का, जैसे फर्स्ट जोन आ जाएगा मैं नीचे उतरूंगा। तो फाइनली अपना फर्स्ट जोन आ चुका है और गैस बहुत थोड़ा बहुत आगे जा चुका है, तो मैं फटाक से नीचे जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ, इतने में अपना फर्स्ट जोन खत्म हो जाएगा वाले। तो आप लोग को हमेशा क्या करनी है वाले, सेकंड लैंडिंग में आप लोग को जो अपने फर्स्ट और सेकंड जोन रहते हैं ना, उनमें तो आप लोग के जोन को अंदर जोन के अंदर ही रहना। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल सा देखना, मैंने फर्स्ट लैंडिंग में 3 किल किया, अब सेकंड लैंडिंग में मैं 2 जोन, फर्स्ट जोन और सेकंड जोन, मैं जोन के अंदर ही रहने वाला हूँ, उतने में मेरे को पता है 30 बंदे बचेंगे, ऑलमोस्ट 32 अभी भी बचे, लेकिन जब तक 25 बचेंगे भालू। सोलो में कितना भी हार्ड लॉबी आए भालू, अगर आप लोग को सेकंड जोन में 30 से नीचे बंदे मिलते, चाहे भाई आप डायमंड वाला लॉबी खेलो चाहे कोई भी खेलो, क्योंकि भाई उसमें रिवाइव वाला सीन नहीं रहता। तो भालू यार यहाँ पे देख सकते हो 22 बंदे बचे, मैं जैसे यहाँ के आता हूँ भाई ये बंदा कैसा बंदा था भाई, जून के अंदर लेट रहा था, क्योंकि भाई इसको पता है जून के अंदर नहीं जाना है, भी जैसे तैसे पोजीशन निकाल लेना है, बट इसको नहीं पता कि पीछे मैं भी था, और फाइनली गैस इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया, और भाई लेट आया था तो गैस उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि गैस वो उठेगा फिर वॉल डालेगा लेट के, उतना ज़्यादा नहीं हो पाया होगा उससे, और गैस उसके पास वॉल भी नहीं था, वॉल था भाई उसके पास वॉल था बट वो लेटा हुआ था ना, उसने गलती कर दी भाई, यहाँ पे आके क्यों लेटा भाई, कम से कम थोड़ा बैठ जाता तो भी बढ़िया रहता। चलो कोई ना यार भाई लोग, तो गैस यहाँ पे देख सकते हो अपने पास टोटल 4 किल हो चुके, और गैस मैं भाई हमेशा आप लोग को एक चीज़ पे हमेशा फोकस करना है भालू, कि आप लोग को जोन हमेशा रोटेशन लेके जाना है भाई। मैं जोन में कभी का पहुंच जाता लेकिन मैं कितना ज़्यादा रोटेट लेता हूँ, बिल्कुल गैस जहाँ से जोन पास पड़ता है बिल्कुल मैं पूरा रोटेशन ले लेता हूँ, गैस बिल्कुल जोन के कोने में आ जाता हूँ, क्योंकि गैस यहाँ से जोन बहुत ज़्यादा पास था, और वहाँ से सीधा आता तो सीधा मैं जोन के अंदर जल्दी आ जाता था, बट जोन पास नहीं था, जोन यहाँ से पास था तो मैं सीधा आ जाता हूँ रोटेशन लेके भालू। और गैस यहाँ पर देखो टोटल 4 किल चुका, टोटल बंदे बचे 12, तो फाइनली मेरा रैंक यहाँ पर सेफ हो चुका है पूरा। अब मेरे मतलब मेरे को जितना ज़्यादा हो सकेगा ज़्यादा प्लस लेने का ट्राई करना है, मतलब मैं अगर जितना ज़्यादा पोजीशन निकालूंगा उतना ज़्यादा मैं मेरे को प्लस मिलेगा। अब मेरा कोई टेंशन नहीं, अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तो 10-15 का प्लस कन्फर्म है, बट मेरे को अभी 20 से ऊपर का प्लस लेना है, 20 से 25 का। आपको पता है मास्टर के 3-4 स्टार पे इतना ही प्लस मिलता है, लेकिन अगर आप लोग वहीं पे हीरो या डायमंड पे होगे तो आप लोग को 30 से 40 का प्लस मिल जाएगा। तो आप लोग को सोलो हमेशा ज़्यादा कर इतनी रैंक पे खेलना है, बट अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तो आपके लिए आपको मास्टर पे भी सोलो बेस्ट रहता है। अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तब बोल रहा हूँ, अगर आपके पास स्क्वाड है तो सोलो बिल्कुल मत खेलो, मास्टर और
ग्रैंड मास्टर पे, ठीक है बालक, क्योंकि आपके पास स्क्वाड है तो क्योंकि उसमें भाई 10 का 30 का प्लस मिल जाता है टोटल, क्योंकि भाई उसमें ट्रीटमेंट वाला भी रहता है। और भाई कुछ बंदे बिना किल के भाई ट्रीटमेंट से प्लस ले लेते, बिना किल के भाई 15 15 20 20 का प्लस ले लेते। ट्रीटमेंट वाला मिशन करेंगे थोड़ा बहुत भी डैमेज हो जाएगा ना, मैंने खुद देखा है भाई, मेरा 500 का डैमेज हुआ था, मैंने मिशन किया था, मेरे को 19 का प्लस मिला था, अब आप लोग सोच सकते हो बिना किल के। तो फाइनली यार अपना यार फोल कर हो चुका है और यहाँ पर टॉप 6 हो चुका है, तो मेरा गेम पूरा बच चुका है। अब मेरे को लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे को बुइया निकालना है। बट अब यहाँ पे एक ऐसा गिलिच होता है कि आप लोग देख के शॉक हो जाओगे भाई लोग, लास्ट में देखना अभी गिलिच नहीं होगा भाई, जब मैं टॉप 2 पे आता हूँ ना भाई, ऐसा गिलिच होता है भाई लोग, भाई मतलब मैं शॉक हो जाता हूँ कि भाई ऐसा कभी हो सकता है भाई, अभी आप लोग देखना। तो भाई लोग यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, तो मैं यहाँ पे लैंडमार्क रख देता हूँ और इस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। मैंने सोचा रश कर दो, पोजीशन निकल गया, माइनस होगा मतलब मर गया, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं, तो इसके ऊपर रश कर देता हूँ। भाई बंदे के पास 4 का बेस था और भाई इसका भाई मतलब मेरा M10 फर्स्ट में कनेक्ट नहीं हुआ, बट मैं इसको नॉक कर देता हूँ। और गाइस मेरा M10 था भाई लोग, गाइस तो मैं इस अबे भाई भाई ये भाई साहब अबे भाई मेरा 2 गोली बेस चला गया और भाई M10 रिलोड पे आ गया और भाई साहब इसने फाइनली हील कर लिया। और गाइस मैं जैसे वॉल फोड़ता हूँ अपने आप को पूरा पैक कर लेता है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो जाती। बट गाइस मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास जोन है और सामने पे एक और बंदा है, तो मैं फाइनली बच जाता हूँ, ऐसे जोन में निकल जाता हूँ और यहाँ पे उन दोनों बंदों का वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को दोनों किल मिलेंगे भाई। तो फाइनली एक बंदा ये आ चुका है, तो मेरे को ये वाला किल मिल गया और इस बंदे को भी फाइनली वहाँ से जाके मार सकता हूँ, यहाँ से पीछे से जाके भी मार सकता हूँ, बट मेरे पास मेडिकल नहीं है और मैं जोन में फंस सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जोन में निकलता हूँ और भाई लोग अगर कैसे यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे जोन रहता है और कैसे उतने में जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे को अगर वो वाला बंदा दिख जाता है इस साइड में, जैसे ही आता हूँ यहाँ पे ये देखो, तो बस फाइनली अपने दोनों के दोनों किल मिल चुके हैं भाई लोग। और मेरा इसी के साथ हो चुका है 6 किल और फाइनली अपना टॉप 2 हो चुका है, टॉप 3 हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे, एक लेफ्ट में है एक राइट में। अब गाइस यहाँ पे मेरे साथ ग्लिच होता है, सामने वो ड्रॉप दिख रहा है, अभी आप लोग देखना है जैसे मैं उस ड्रॉप के पास जाता हूँ एलिमिनेट हो जाता है। तो भाई लोग जो भी बंदा कमेंट करके बता देना ऐसा क्या है भाई कि मैं यहाँ पे जाके एलिमिनेट क्यों हो गया, भाई मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि भाई मैं वहाँ पे मैं अकेला नहीं हुआ, मेरे साथ एक और बंदा हुआ था, पहले वो वाला बंदा आता है ए वाला राइट वाला बंदा एडॉप के पास आ गया, पहले ए एलिमिनेट होगा फिर मैं जैसे इसका लूट करने जाता हूँ तो भाई मैं भी एलिमिनेट हो जाता हूँ। भाई आखिरकार क्या ग्लिच है भाई, ना कोई लैंडमाइन ना कुछ, और भाई किल में से साफ एलिमिनेट दिखाता है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखना फाइनली यार गाइस मैं रश कर देता हूँ यहाँ पे, यार थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यार भाई लोग जब भी टॉप 3 होता है तो मैं 2 बंदों की फाइट करवाना चाहता हूँ, मैं कभी किसी से फाइट नहीं करता, मैं 2 बंदों की फाइट करवाना चाहता हूँ। और जैसे उन लोग का फाइट होगा मैं उन लोग की थर्ड पार्टी करके बुइया निकाल लेता हूँ, हमेशा मैं एक ही चीज़ करता हूँ। तो इसलिए मैं वॉल डाल के आगे जा रहा हूँ, क्योंकि पास मेरे पास जो वॉल फ्रीजर था वो था जो वॉल तोड़ देता है, तो मैं इस वाले बंदे का वॉल तोड़ दूंगा तो ताकि वो वाला बंदा इसको मार सके और मैं उसको इजी पीजी मार सकूँ। तो मैं जैसे एक वॉल और आगे डालता हूँ, फिर यहाँ पे मैं फेंकता हूँ जो वॉल फ्रीजर है इसको मैं फेंक देता हूँ फटाक से, और फाइनली मैंने इसको जैसे फेंका बंदे के पास पड़ता है और बंदा इस साइड भागता है। अब यहाँ पे सीन देखना है, मेरा एक 40 का गोली खलता है, बंदा एलिमिनेट हो जाता है, जोन के अंदर था फिर भी एलिमिनेट होगा, मतलब भाई यहाँ पे आखिरकार है क्या भाई, बंदा खुद हैरान होगा। अब देखो अगर यहाँ पे मैं भी एलिमिनेट हो जाता हूँ भाई, आखिरकार सीन क्या है यहाँ पे, देखो मैं खड़ा था सिंपल और भाई ये क्या मजा आके भाई। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार भाई लोग, बट एक गिलिच से बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, तो सभी लोग यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई लोग, सब लोग से दिल से रिक्वेस्ट यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार भाई लोग।